गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 5, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ईला सच्चानी 26 साल की हैं। वह गुजरात के सूरत ज़िले में रहती हैं। वे एक दिव्यांग लड़की है। उनके हाथ काम नहीं करते, लेकिन इससे ईला जरा सी भी निरुत्साहित नहीं होती है। वह यह नहीं सोचती है कि मेरे हाथ नहीं हैं तो मैं अब क्या करूं? उसने अपने हाथों की इस कमी को तहे दिल से स्वीकार किया और अपने पैरों से काम करना सीखा। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती पर लिखना जैसे काम उसने पैरों से लिखना शुरू किया। अब जब वह अब दूसरे बच्चों के साथ में शाम को खेलने के लिए घर से बाहर जाती, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। पिट्टू खेलना मतलब हम लोग जो सितोलिया खेलते हैं उसको वहाँ पर पिट्टू कहा जाता है। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची-ऊंची पैंगे लेते, यानी ऊंची-ऊंचे झूले लेते। पर जो अब गाना गाते हैं बच्चे, है ना, तब तो ईला उनका साथ दे पाती, परंतु रस्सी पकड़कर जब झूला झूलने की बारी आती तो ईला पीछे हट जाती, क्योंकि उसके हाथ साथ नहीं देते। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद पहले तो सभी उसकी सुरक्षा और उसके काम की गति को लेकर काफ़ी चिंतित थे, लेकिन उसकी फुर्ती देखते ही सब लोग हैरान हो जाते। कभी कभी किसी काम में परेशानी उसे ज़रूर होती थी, लेकिन ईला इन परेशानियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, परंतु 10वीं कक्षा वह पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसे उस समय मालूम नहीं था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में उसकी जगह लिख सकता। यदि उसे इस बात का पता लग जाता तो शायद वह पास हो जाती और बहुत अच्छे नंबरों से पास होती। ईला की माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती और एक दिन उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। वह भी पैरों से दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने जैसे कठिन कार्य उसने काफ़ी धैर्य और विश्वास से करना शुरू किए। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिलेगा और टाके कौन से लगेंगे, यह सब वह बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी और बहुत जल्दी उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया, डंडियों को काथा से उभारा था। प्रदर्शनी में आए लोगों ने उसकी कला को काफ़ी सराहा। इस प्रकार ईला जहाँ चाहा वहाँ रहा जैसी उक्ति को 100% चरितार्थ करती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। टाँका यानी हाथ की सिलाई, अनूठी मतलब अद्भुत, मिशाल यानी उदाहरण, विष जहर, घुटने टेकना का मतलब होता है झुकना, कुदरत प्रकृति, माहिर होना यानी अव्वल होना, परिधानों की, पोशाक की, वस्त्रों की, इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग, नवीनता नयापन, अनूठा का मतलब होता है बेमिसाल। थैंक यू।